Hey guys, this is Arthak and you are watching Modex Tech. So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे about those mistakes which people generally do while purchasing a new monitor. कुछ ऐसी गलतियां जो कि generally लोग कर देते हैं monitor को खरीदते समय. बहुत सारे लोगों ने यार मेरी पिछली वीडियो जो कि मैंने डाली थी एक monitor के ऊपर, जिसमें मैंने आप लोगों को best of the best monitors बताए थे हर एक budget के हिसाब से, उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोग यार confused थे, panel कैसे लें, कौन सा resolution लें, कौन सा मतलब कितने refresh rate का monitor लें, सारे doubts इस वीडियो के अंदर आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं. तो वीडियो को एंड तक देखते रहना. तो चलिए तो फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं. सो गाइस, यार मेरे चैनल के ऊपर बात करी जाती है पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में. तो अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट है यार पीसी और उसके हार्डवेयर इसी चीज के बारे में अपने चैनल के ऊपर बात करते हैं, तो दबाओ सब्सक्राइब के बटन को, साथ में कर दो जो घंटी वाला बटन होता है उसको भी दबाओ, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी नई वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन. अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ और टोटल ऐसे 5 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं. और हो सकता है जो लोग मेरा चैनल बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनमें से कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताओ. जनता बड़ी स्मार्ट हो गई यार मेरे चैनल के ऊपर आके. तो अब बात करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट के बारे में, चूज पैनल अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. उस वीडियो के अंदर भी मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया था आप लोगों को, लेकिन मैं एक बार और बता देता हूं कि पैनल आपको अपनी नीड के हिसाब से चूज करना पड़ेगा. जैसे कि मतलब अगर आपको सिर्फ गेमिंग से मतलब है, सिर्फ गेमिंग, तो आप जाओ यार TN पैनल के साथ, क्योंकि वो हमको काफी ज्यादा अच्छे रिस्पांस टाइम वगैरह प्रोवाइड करते हैं. और अगर आपको कंटेंट क्रिएशन के अंदर एक वीडियो क्रिएटर हो या फिर फोटो एडिटिंग जैसा काम है, तो TN पैनल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है, क्योंकि उसका जो कलर रिप्रोडक्शन होता है और ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है यार IPS के मुकाबले. IPS की जो पिक्चर क्वालिटी होती है और जो ओवरऑल कलर रिप्रोडक्शन होता है वो हमें थोड़ा बेटर देखने को मिलता है. तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन जैसे काम के अंदर हो तो आपको जाना है IPS के साथ, और अगर आप गेमिंग के अंदर हो तो आपको जाना है TN पैनल के साथ, क्योंकि TN पैनल के ऊपर गेमिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है और थोड़े सस्ते भी होते हैं इन कंपैरिजन टू IPS मॉनिटर. अब बात करें हम VA पैनल के बारे में, तो VA पैनल एक ऐसा पैनल होता है जो कि बहुत वाइडली यूज नहीं किया जाता, अब करने लगे, वैसे पहले नहीं करते थे फिर भी इतना, थोड़े बहुत हम मॉनिटर्स आने लगे हैं. VA पैनल एक ऐसा पैनल है जिसके अंदर हम लोगों को पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिलती है और साथ ही साथ हम लोगों को जो रिफ्रेश रेट है वो भी थोड़ा हाई मिल जाता है गेमिंग करने के लिए. तो VA पैनल के साथ ये थोड़ा फायदा रहता है कि आप दोनों काम कर सकते हो. तो अगर आपको एक अच्छे बजट के ऊपर VA पैनल का मॉनिटर मिलता है तो आप उस मॉनिटर के साथ भी जा सकते हो. अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जो कि है डोंट लुक फॉर इनबिल्ट स्पीकर्स. बहुत लोग यार उस कमेंट में सेक्शन में बोल रहे थे कि भाई इसमें तो इनबिल्ट स्पीकर ही नहीं है मॉनिटर के साथ. भाई एक बात को समझो, जो मॉनिटर के इनबिल्ट स्पीकर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा यार बेकार होते हैं. समझो इस बात को, बेकार इसलिए होते हैं क्योंकि यार छोटे छोटे से स्पीकर होते हैं और बहुत लोग उसको एक फीचर मान लेते हैं. मैं तो बिल्कुल भी उनको फीचर नहीं मानता, ट्रस्ट मी गाइस. यार मैंने सुन रखे हैं मॉनिटर के जो इनबिल्ट स्पीकर होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल जो थर्ड क्लास स्पीकर आपने आज तक अपनी जिंदगी में सुने होंगे ना, ऐसे स्पीकर उसके अंदर दिए जाते हैं. वो अलग बात है, अगर आप बहुत ही ज्यादा कोई महंगा मॉनिटर ले लो तो हो सकता है आपको उसके साथ अच्छे स्पीकर मिल जाए, बट जो बजट कैटेगरी के मॉनिटर होते हैं इनके अंदर इनबिल्ट स्पीकर हमें बहुत ही ज्यादा बेकार मिलते हैं. तो आप इसको एक फीचर मान के मत चलना, कभी आप कोई मॉनिटर इसीलिए खरीद लो कि भाई इसके अंदर तो इनबिल्ट स्पीकर है, जबकि हो सकता है दूसरा मॉनिटर अच्छा हो. पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम लोग यहीं आके गलती कर जाते हैं, और आई एम श्योर कि आप भी हो सकता है गलती कर चुके हो. तो बाद में जब पैसे हो तो मॉनिटर नया लेना ही पड़ेगा आप लोगों को इस चीज के लिए. वो ये है कि बाय मॉनिटर अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम पावर. आपका जो सिस्टम है वो कितनी पावर दे रहा है उसके हिसाब से मॉनिटर बाय करो यार. बहुत लोग ऐसे RTX 2060 तक बाय कर लेते हैं लेकिन मॉनिटर के नाम पे उनके पास होता है 1080p 60 हर्ट्ज. जी हाँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं. क्या कर रहे हो भाई, 2060 लेके बैठे हो आप RTX, उसका फायदा कैसे उठाओगे? आपको लेना पड़ेगा उसके लिए 1440p का मॉनिटर और साथ में आपको उसको पेयर करना होगा या फिर एक हाई रिफ्रेश रेट का मॉनिटर लो, तब जाके तो कुछ फायदा उठा पाओगे ना उस मॉनिटर का. तो जितना बजट अपने पीसी के लिए रखते हो ना, इतना बजट अपने मॉनिटर के लिए भी रखो, ताकि आप उस पीसी का मतलब मजे उठा पाओ भाई गेम के. अगर आप 1080p 60fps के ऊपर गेमिंग करोगे तो मैं ये मानता हूं कि आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो एक RTX 2060 बाय कर रहे हो, इवन 1660 Ti तक बाय करके. ये सारे जितने भी अपर एंड के ग्राफिक कार्ड्स होते हैं ना, ये आपको कैपेबल होते हैं 1440p के ऊपर गेमिंग कराने के और हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग कराने के. पॉइंट नंबर 4, बहुत लोग यार ये गलती करते हैं कि वो NVIDIA का ग्राफिक कार्ड बाय कर लेते हैं. गलती ये नहीं है कि वो NVIDIA का ग्राफिक कार्ड बाय कर लेते हैं, गलती क्या है वो मैं अब बताता हूं. गलती वो ये करते हैं कि उन्होंने बहुत जगह ये सुना होता है कि NVIDIA के जो ग्राफिक कार्ड है हम उसका G-Sync ऑन कर दें और मॉनिटर का FreeSync
ऑन कर दे तो हम लोगों को भैया बल्ले बल्ले, हमको तो अडेप्टिव सिंक मिल गया, हम जी सिंक चलाएंगे अपने फ्री सिंक मॉनिटर के अंदर, जो कि साफ साफ एक गलत चीज है। और ये सिर्फ आप कर सकते हो, बट ये थोड़े हाई एंड मॉनिटर्स के साथ ही हो पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डिस्प्ले पोर्ट के ऊपर ही आप लोगों को जी सिंक का सपोर्ट मिलेगा, एचडीएमआई के ऊपर ना बाबा ना आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको जी सिंक चलाने फ्री सिंक मॉनिटर के अंदर, तो आपको उसके लिए डिस्प्ले पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि डिस्प्ले पोर्ट आप लोगों को थोड़े महंगे मॉनिटर्स के अंदर मिलता है, जैसे कि आपको थोड़े लगभग 18,000 रुपए के आसपास आपको खर्च करने पड़ेंगे तब जाके आपको हाँ मरे से मरे आपको 15,000 रुपीस का मॉनिटर मिलता है, जो कि एसर वगैरह की तरफ से आता है, उनके अंदर हम लोगों को डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है। तो आप ट्राई कर सकते हो कि आप जी सिंक ऑन कर लो और फिर फ्री सिंक वाले मॉनिटर के अंदर आप अडेप्टिव सिंक का फायदा उठा सको, ट्राई करने में क्या जाता है। बाकी आप HDMI के ऊपर तो इसे बिल्कुल भी नहीं चला सकते। पॉइंट नंबर 5, हायर रेजोल्यूशन और हायर रिफ्रेश रेट। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बजट पे आप जब देखते होगे तो आपको दो ऐसे मॉनिटर मिल रहे होंगे कि कोई सा मॉनिटर आपको हायर रेजोल्यूशन ऑफर कर रहा है, जैसे कि 1440p है लेकिन वो 60Hz है या फिर 75Hz है, या फिर आपको मिल रहा होगा एक हायर रिफ्रेश रेट का मॉनिटर जैसे कि 144Hz और आपको साथ में मिल रहा होगा 1080p का रेजोल्यूशन। तो आपको किसके साथ जाना चाहिए? देखो भाई, मैं ये मानता हूं कि अगर आप एक ऐसा ग्राफिक कार्ड होल्ड करते हो जिसमें जैसे कि मान लीजिए RTX 2060 या फिर 1660 Ti, ये जो दोनों ग्राफिक कार्ड है या फिर इसके ऊपर के जितने भी ग्राफिक कार्ड हैं, ये सभी कैपेबल है आपको 1440p के ऊपर 60 से ज्यादा FPS निकालने के, ठीक है। तो आपको करना यह है कि आपको बाय करना एक 1440p मॉनिटर, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो जितने भी ये बड़े ग्राफिक कार्ड होते हैं और जो आजकल गेम्स बनते हैं ना, इसके ग्राफिक्स इतने ज्यादा हाई एंड हो गए हैं और इतने ज्यादा भाई अच्छे दिखते हैं और इतने ज्यादा रियलिस्टिक दिखते हैं कि आप एक हायर रेजोल्यूशन का मॉनिटर बाय करोगे तो आपको थोड़ी सी यार मतलब अच्छा लगेगा वो गेम देखने में। 1080p के मुकाबले जो डिटेल्स होंगी गेम के अंदर वो आपको ज्यादा मिलेंगी। तो मैं ये मानता हूं अगर आप इन दो सिचुएशन के अंदर फंस गए हो कि हायर रेजोल्यूशन लेना या फिर हायर रिफ्रेश रेट लेना है, तो अगर आपके पास एक अच्छा ग्राफिक कार्ड अगर आप होल्ड करते हो तो आप लो यार एक हायर रेजोल्यूशन का मॉनिटर जैसे कि 1440p। और अगर आप एक ऐसा ग्राफिक कार्ड होल्ड करते हो जैसे कि GTX 1660, या फिर वो आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है कि यार अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को तो एकदम स्मूथ गेम मिले, एकदम स्मूथ मतलब बहुत ही ज्यादा हाई रिफ्रेश रेट, जितना भी FPS मेरे को अपने PC से मिलेगा, मतलब अपने ग्राफिक कार्ड से मिलेगा, मैं उसका पूरा पूरा अपने सिस्टम के ऊपर देख पाऊं। अब आप एक चीज पे एक टाइम पे एक ही चीज तो कर पाओगे, जैसे कि हायर रिफ्रेश रेट अगर आपने लगा दिया तो आपको 1080p रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए हायर रेजोल्यूशन तो आपका FPS भी कम हो जाएगा, तो ये दोनों चीज बैलेंस हो जाती है, ये तो आपको देखना है। बाकी मैं तो अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूँ एक हायर रेजोल्यूशन के मॉनिटर के साथ जाना चाहिए। तो बस दोस्तों, आई होप कि आपके सभी डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गए। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।